हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोंटी जनसेवा केंद्र में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अप्लाई एंड ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि ये निकाली गई है दोस्तों आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला में। ठीक है दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, मैं इसके नोटिफिकेशन में अभी आपको दिखा देता हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल किया है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन किया है, जो कि HPSC HCS AE 2023। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। दोस्तों ऑल इंडिया से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि आपकी टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है यहाँ पे आपकी, वो आपकी निकाली गई है 100 कुछ वैकेंसी आपकी निकाली गई है टोटल। अभी देख सकते हैं 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 21 तारीख तक आप फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म फिल कैसे करने के वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने यहाँ चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। चलते हैं फिर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे। यहाँ पर आना है, मॉक टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपको दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लिंक डाल दूँगा आपको वीडियो के नीचे, वहाँ से आप इस पर क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करने बाद ये कुछ इंट्रोडक्शन आएगा, आपको ओके कर देना है इसे। उसके बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे इस तरह का नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नाम डालना है, जो भी 10वीं की मार्कशीट में नाम है आपका। फिर आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, जो से भी आप बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ द बिहार, ओ हरियाणा सॉरी, अगर आप है तो यहाँ पे PPD ID नंबर डालिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपका जनरल में काउंटिंग हो जाएगा, अगर आप इसे यस करते हो, PP नंबर डालोगे तो यहाँ पर फिर आपकी जाति यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं जाति बहुत सारी ओपन हो चुकी है, जनरल SC BCA BCA BCB BCB EWS, जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछेगा आधार नंबर, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। फिर आपको हैव यू वर्क, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। अगर आप विकलांग है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपसे पूछा गया है एक्स सर्विस मैन है तो या इनमें से देख लीजिए, नहीं तो नोट एप्लीकेशन आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आना है, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, जो कि 10वीं की मार्कशीट में होनी चाहिए वो ही डालिए। फिर आपको ईमेल ऐड डालना है अपना, मोबाइल नंबर डालिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। जैसे आप वहाँ पे अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे, रजिस्टर ईमेल आईडी यानी मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP डालना है आपको दोनों का। OTP डालने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होएगा, अब आपको क्या करना करना क्या है, नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा मदर का नाम डालने के लिए, आपको माता जी का नाम डालना है, जो भी 10वीं की मार्कशीट में है आपका। फिर आपको पिताजी का नाम डालना है, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा गया है अगर आप डिपार्टमेंट में हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। यहाँ पे भी नो करना है, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो। बाकी आप पढ़ लेना, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यस या नो कर सकते हैं। एड्रेस आपको फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, पिन कोड वगैरह डाल देना है। अगर आपका ये परमानेंट और ये कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कीजिए, आपका एड्रेस दोनों में एक से हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डालना है अपना बैंक की डिटेल, तो ये जो क्या करना है आपको, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर आपको नाम डालना है, होल्डर का जो भी आपका बैंक में नाम है। फिर आपको अकाउंट नंबर डालिए अपना, फिर आपको बैंक का नाम डालना है, जो भी आपका बैंक का नाम है। उसके बाद IFSC कोड डालिए, जो भी आपका IFSC कोड है। उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक।
आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले आपको 10th बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या था आपका वो डालिए। उसके बाद डिवीजन आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद पासिंग ईयर आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद परसेंटेज क्या बनी आपकी वो डालिए। ऐसे ही आपको इंटर की डिटेल यहाँ पर डालनी है। बोर्ड का नाम डालिए अपने जो इंटर पास की है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट क्या थे वो डालिए। अभी मैं आपको क्या बोलते सैंपल के तौर में बता रहा हूँ, पर आपको ये जो सब्जेक्ट आपने मैंने बताया है ना, ऑल जनरल सब्जेक्ट, आपको ये ऐसा नहीं डालना, आपको पूरे अपने सब्जेक्ट डालने हैं जो जो आपके 10वीं में हैं सारे। आपको फिर फर्स्ट है या सेकंड है थर्ड है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर है, उसके बाद परसेंटेज आपकी क्या बनी थी इंटर की। उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या बी टेक है, ये भी है, वो आप यहाँ पर उसकी डिटेल डालिए। तो जैसे मैं बी टेक की डिटेल डालने वाला हूँ, उसके बाद आपसे पूछा गया सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट आपको करने हैं। फिर फर्स्ट है या सेकंड है वो सेलेक्ट करिए। आपको पासिंग ईयर क्या था वो डालिए। उसके बाद टोटल परसेंटेज आपकी क्या बनी है वो डालिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल है तो उसकी डिटेल भी आप इसी तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने बाद नेक्स्ट पेज ओपन होएगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड मांगे जाएंगे, तो आपके ये वाले है ना, ये जो आपने 10वीं 12वीं एंड ग्रेजुएशन है ये डिटेल दिया है, इसमें क्या करना है आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। देख सकते हैं ओनली PDF मिनिमम 1 MB। यहाँ पर आपको अगर आपके मार्कशीट है तो यहाँ पर रिसर्च यहाँ पर अपलोड करिए। अगर आपके डिग्री या सर्टिफिकेट है वो उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपके पास दोनों एक है तो आप दोनों में एक साइड जो है अपलोड कर लीजिए। फटाफट अपलोड कर लेता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो अपना 1 MB से कम होना चाहिए, 100 से लेके 150 पिक्सल का फ़ोटो। सिग्नेचर भी आपका 1 MB से कम है, जो आधार कार्ड भी आपका ये PDF में होना चाहिए 1 MB से कम। फटाफट मैं अपलोड कर लेता हूँ इन्हें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बाद आपको नीचे आए और डिक्लेरेशन फॉर्म पर आपको तीनों पेन पर टिक कर देना है। टिक करने बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार आपका फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, एक बार आप क्या करेंगे यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो यहाँ पर क्लिक हियर टू एडिट द फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करके अपना फॉर्म सुधार कर सकते हैं, एडिट मतलब कनेक्शन कर सकते हैं अभी। उसके बाद अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है, कोई भी गलती नहीं है आपके फॉर्म में, तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों पेमेंट के ऑप्शन पर आ जाएगा, आप नीचे पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करने के लिए मिलेगा आपको। सिंपल आपको पेमेंट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं अपना जो भी आपको से पेमेंट मांगी गई है यहाँ पे, और पेमेंट करने के बाद आपको अपना प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं HPSCAE, जो कि जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के है, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन के। जो भी आपको वैकेंसी पोस्ट करनी है वो आप अप्लाई कर लीजिए। बाकी आशा करते हुए वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, मोंटी जनसेवा केंद्र को जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।